हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे आपका रिस्पॉन्सिव फूड वेबसाइट डिजाइन यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट गाइस। एंड उसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है आपका, इसमें हम बूटस्ट्रैप 5 यूज करेंगे गाइस। एंड बूटस्ट्रैप 5 का मैक्सिमम चीजें हम इसमें यूज करेंगे, आपका नेविगेशन, स्लाइडर एंड उसका पूरा ग्रिड सिस्टम। ओके, तो मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा इसमें कि हम बूटस्ट्रैप में क्या क्या कवर कर रहे हैं। उससे पहले आप सबसे पहले इसका डेमो देखिए, देन उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हमने एक लोगो बनाया है। ओके, एंड लोगो के बाद यहाँ पे हेडर में आपके पास होम है, अबाउट अस है, यहाँ पे फूड्स है, रिव्यू एंड यहाँ पे एंड ये बटन है आपका। ओके, एंड होवर करने पे आपको इफेक्ट दिख रहा होगा, ये देखिए, ठीक है। एंड होवर करने पे यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ब्लू कलर का हो रहा है ये देखिए। ओके, ये चीज दिख रही है आपको। एंड इसी के साथ में आपको यहाँ पे साइड में कस्टम स्क्रॉल बार दिख रहा होगा कि स्क्रॉल बार को भी हमने डिजाइन कर लिया। ओके, अपने कलर के अकॉर्डिंग वेबसाइट के, तो ये कैसे कर रखा है ये भी बताऊंगा मैं आपको। एंड इसके बाद में आपको यहाँ बैनर पे दिख रहा होगा यहाँ पे टाइटल, ओके, जो भी आपको रखना हो वो रख सकते हैं। उसके बाद में आपका डमी टेक्स्ट, एंड इसके बाद में यहाँ पे बटन ऑन ऑर्डर का, एंड यहाँ पे आपका दूसरा ऑर्डर नाउ का। ओके, यहाँ पे मैंने दोनों इसलिए सेम रखे हैं, बस मैं इसमें क्या है आपको वेरिएशन दिखा रहा हूँ। ओके, एक में आपको होवर करने पे एंड यहाँ पे आपका अंडरलाइन। ओके, एंड इसके बाद में अब क्या है आपका, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि ये नंबर्स यहाँ पे आपका दिख रहे हैं। और ये चलेंगे कैसे, जब मैं इसको रिलोड करूंगा ना, तो ये देखिए जैसे मैं रिलोड करता हूँ तो रिलोड ये एनिमेट कैसे चल रहा है, इसके लिए हम जावास्क्रिप्ट से कर रहे हैं गाइस। ओके, एंड क्या करते हैं हम उसमें वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये नंबर चल रहे हैं। ओके, एंड ये डमी नंबर्स है, आपको जो अपना रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद में क्या है हमारा, थोड़ा मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, ये है हमारा अबाउट सेक्शन। ओके, अबाउट सेक्शन में यहाँ पे इमेज लगी हुई है। ओके, इस इमेज में क्या है कि मैंने टाइटल दिया है, बैनर है यहाँ पे, एंड इसके बाद यहाँ बटन, सेम बटन का आपको डिजाइन कॉमन दिखेगा। ओके, जैसे कि मैं आपको ऊपर दिखाऊं हेडर में, तो हेडर में यहाँ पे इमेज जो है ना, ये भी आपके इमेज कैसे यूज कर रहे हैं हम बैकग्राउंड में या डायरेक्ट आपका एट्रीब्यूट से, तो आपको सब कुछ बताऊंगा मैं इसमें डिटेल में। तो अबाउट अस पे आते हैं। अबाउट अस पे आने के बाद आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पे इमेज, टाइटल एंड ये आपका डिजाइन। बस अबाउट अस में मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, अबाउट अस बहुत बड़ा है। ओके, ये मैंने छोटा सा पार्ट नहीं रखा इसमें, मैंने अबाउट अस में आपको नीचे भी दिखेगा यहाँ पे टाइटल लगा है, यहाँ पे डमी टैग्स एंड पॉइंट्स बता सकते हैं आप अपने बारे में, एंड यहाँ पे आपका लर्न मोर पे क्लिक करके आप एक अपना एक्स्ट्रा पेज बना सकते हैं एंड इमेजेस, ठीक है। ये सारा कुछ दिख रहा है। इसके बाद मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, एंड स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये देखिए। ओके, यहाँ पे भी आपके पास है कि आप इसमें कोई अपनी वेबसाइट के बारे में आप बता सकते हैं कि आपका मेन प्रोडक्ट कौन सा है, एंड उसके बारे में आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे बैनर के साथ में रखा है ये चीज, तो वो आपको दिख रहा होगा। इसके बाद में एक्सप्लोर आवर फूड्स, ठीक है, हमारे पास फूड कौन कौन से हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ इस सेक्शन में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि देखिए, जैसे ही मैं इस सेक्शन पे आता हूँ, सबसे पहले टाइटल, उसके बाद में यहाँ पे आपका टेक्स्ट, एंड इसके बाद में यहाँ पे आपके कार्ड बने हुए हैं। ओके, इस कार्ड के डिजाइन में आपको दिख रहा होगा, ये भी बूटस्ट्रैप का है। ओके, बूटस्ट्रैप 5 का है। ओके, एंड इसके बाद यहाँ पे टाइटल है, इसके बाद में यहाँ टाइम है, एंड इसके बाद में यहाँ पे आपका प्राइस, एंड जो उसके साथ में हमने ऑफर का एक सिस्टम होता है वो रखा हुआ है। एंड यहाँ पे बटन तो मैंने जो आपको बता रहा हूँ कि कॉमन ही होगा। ओके, और तीनों ही कार्ड यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये कार्ड बने हुए हैं आपके। इसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, एंड नीचे आते यहाँ पे ये रिव्यू का सेक्शन है। ओके, एंड रिव्यू के सेक्शन पे ये जो स्लाइडर आपको दिख रहा है ना, ये बूटस्ट्रैप 5 का है गाइस। ओके, कैसे हम बूटस्ट्रैप 5 के स्लाइडर को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑटो स्लाइड तो दिख ही रहा है, एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद भी आपको ये चीज दिख रही होगी। देखिए, मैं तीनों ही डॉट्स पे क्लिक कर रहा हूँ नेविगेशन पे, तो ये चीज चल रही है। ओके, इसके बाद आते हैं थोड़ा सा नीचे। अब थोड़ा सा नीचे आने पर यहाँ पे है FAQ। ओके, एंड देन उसके बाद इस सेक्शन में आपको दिख रहा होगा टाइटल, एंड यहाँ पे आपका क्या है क्वेश्चन, जो आप पूछ सकते हैं, जो आपसे पूछे जा रहे हैं वो उसके आंसर आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे, ये देखिए पैरालेक्स इफेक्ट भी दे रखा है मैंने यहाँ पे बॉटम में, आप यहाँ पे इसको दे सकते हैं, एंड इसके लिए भी एक अलग से पेज बना सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद में आप यहाँ पे आपको दिख रहा है ये फुटर का पार्ट है पूरा। इस फुटर के पार्ट में आपको क्या है कि यहाँ पे हमने एक टाइटल रखा है, एंड सब टाइटल है हमारे पास। एंड इसके बाद में इनपुट पे आपका सब्सक्राइब, ओके, जो नोटिफिकेशन आप अपने यूजर को दे सकते हैं उस चीज का डिजाइन है यहाँ पे। उसके बाद है यहाँ पे फुटर, एंड इस फुटर में आपको दिख रहा होगा रजिस्टर फॉर्म, एफिलिएट एंड क्वेश्चंस, एंड यहाँ पे हमारे सोशल मीडिया आइकन, जहां जहां पे हम जिस प्लेटफॉर्म पे हैं उसके बारे में हम यहाँ पे रख सकते हैं। एंड इसके बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2021 एंड फूड इज ऑल रिजर्व। ओके, ये सारा कंटेंट कैसा है, ये पूरा डिजाइन मैंने आपको दिखाया, ठीक है। अभी इसमें मैं दिखाता हूँ ये चलेगा कैसे, अभी तो मैंने स्क्रॉल डाउन करके दिखाया। ओके, मैंने होम पे क्लिक करा, आप सबसे ऊपर आ गए। ओके, इसके बाद मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा, अबाउट का सेक्शन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं एक्सप्लोर फूड का करूंगा क्लिक, तो इसके बाद यहाँ पे ये सेक्शन है हमारे पास कार्ड्स के। रिव्यू पे क्लिक करने के बाद रिव्यू सेक्शन, FAQ पे क्लिक करने के बाद FAQ। ओके,
एंड फुटर के लिए मैंने नहीं रखा है, क्यों? क्योंकि मैंने फुटर से पहले यहाँ पे फोन नंबर रखा है कि अगर आप अपना फोन नंबर डायरेक्ट यूजर को देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे अवेलेबल करा सकते हैं इस वेबसाइट पे, ठीक है। इसलिए मैंने गाइज आपको वीडियो में स्टार्ट में बोला कि प्रोफेशनल वेबसाइट है प्रॉपर, ठीक है, कि कैसे बना सकते हैं आप HTML CSS Bootstrap 5 के साथ, ठीक है। एंड इसके बाद मैं इसको दिखाता हूँ कि ये फोन पे कैसे दिखेगा, तो इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करने के बाद अभी क्या है कि आपका ये डेस्कटॉप वर्जन था, ठीक है। जैसे जैसे मैं इसमें स्मॉल करूंगा तो देखिए ये आपका स्मॉल करके यहाँ पे पहुंचे हम। ये है आपका iPad Pro, ठीक है। iPad Pro पे आपको सबसे पहले दिख रहा होगा कि हमारा यहाँ पे सेक्शन दिख रहा है आपको ये, एंड यहाँ पे बटन नीचे हो गया, एंड इसके बाद में ये सेम डिजाइन है जो आपका है। इसके बाद सेक्शंस एक के नीचे एक आ गए यहाँ पे, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे, ठीक है, ये चीज दिख रही है आपको, यहाँ पे भी आपको ये चीज दिख रही होगी सेम सेम जो वहां से हमने करी है। एंड इसके साथ में ये मेन्यू आपको दिख रहा होगा, ये स्टिकी हो रहा है यहाँ पे, ओके। स्टिकी के साथ में यहाँ पे हम क्लिक करेंगे मेन्यू पे, एंड इसके बाद में सपोज मैंने अबाउट अस पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब अबाउट अस पे क्लिक करने के बाद आपने देखा होगा जब आप बूटस्ट्रैप का मेन्यू यूज करते हैं ना तो वो बंद नहीं होता, ठीक है। अब मैंने इसके लिए क्या करा है उसके लिए मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि इसमें कैसे कोड आप इसको कर सकते हैं, तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो वो मेन्यू कैसे ऑटो क्लोज करवा रहे हैं हम। एंड यहाँ पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा एक के नीचे एक कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे रिव्यू सेक्शन पे अगर मैं चले, ठीक है, ये पूरा डिजाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजिंग ना हो कि बूटस्ट्रैप 5 में कैसे बनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजिंग है कि बूटस्ट्रैप 5 में 4 से बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए, चेंजेस आए हैं बट इतने भी नहीं कि लाइक आप समझ ना सके चीजों को, ओके। एंड यहां से आप देखेंगे फोन पे चलते हैं हम, तो देखिए फोन पे आ गए हम। फोन पे आने के बाद आप पे आपको दिख रहा होगा, देखिए, ठीक है, ये है प्रॉपर फोन आपका। इस पे आपको नेविगेशन मैंने आपको दिखाई दिया, ठीक है। इसके बाद मैं स्क्रॉल करूंगा तो ये फिक्स होता है, ठीक है। एंड इसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ नंबर्स का आपका एक के बाद एक है यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो सेक्शन आपका डिवाइड हो रहा था प्रो पे वैसा ही आपका यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे भी आपको सेम वही फील आ रहा है। इसके बाद आपका जो सेक्शन है जिसमें आप अपने फूड के बारे में बता रहे हैं, कार्ड्स के बारे में, देखिए प्रॉपर है वो आपका यहाँ पे भी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका स्लाइडर है, ये देखिए स्लाइडर यहाँ पे भी वर्किंग है आपका। एंड इसके बाद आपका जो क्वेश्चंस का है सेक्शन वो, एंड इसके बाद आपका यहाँ पे आप देखेंगे पैरालेक्स, एंड इसके बाद आपका ये फुटर, तो प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है ये देखिए, ठीक है। जहां तक आप जा सकते हैं जितने पे भी आप कर सकते हैं देखिए प्रॉपर रिस्पॉन्सिव, ओके। इसलिए मैंने इसको कॉमन रखने की बहुत कोशिश करी और इसको मैं जब बताऊंगा आपको डिटेल में तो उसमें भी बहुत डिटेल में समझाऊंगा और बहुत मिनिमम सीएसएस में इसको कवर करेंगे गाइस, ठीक है। इस पूरी चीज को सीखने के लिए आपको क्या करना होगा गाइस, की वीडियो पूरी देखनी होगी। आई डोंट नो ये कितने पार्ट्स में आएगी वीडियो, बट आपको मैं मे बी श्योर करता हूँ कि जितने भी पार्ट्स में आएगी अगर आप ये पूरी सीरीज देख लेंगे तो आपको बूटस्ट्रैप 5 में एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी आ जाएगी, ओके। एंड तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है, आप में से जितने भी न्यू यूजर हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम फेसबुक एंड ट्विटर पर फॉलो करें। मैं फॉलो करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ गाइस क्योंकि यहाँ पे आप मेरी किसी भी वीडियो में किसी चीज से भी आपको प्रॉब्लम आती है या कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज के थ्रू मेरे से यहाँ पे बात कर सकते हैं एंड उसके बाद मैं आपकी क्वेरी रिसॉल्व कर दूंगा। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने ब्राउजर को अपने एडिटर के साथ कनेक्ट करते हैं, किससे? VS Code Live Server Extension, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ओके, कि कैसे इसे इंस्टॉल करना है। मैं सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन का लिस्ट डाल दूंगा। एंड उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको समझाऊं तो उससे पहले मैं आपका फोल्डर स्ट्रक्चर दिखाता हूँ आपको। एक मेन फोल्डर है, उस एक मेन फोल्डर के अंदर हमारे पास एक index.html की फाइल होगी, ओके। उसके बाद मेरे पास एक CSS नाम का फोल्डर है, उसके अंदर मेरे पास CSS में आपके पास यहाँ देखेगा आपको कि स्टाइल एंड रिस्पॉन्सिव स्टाइल, ओके, दो फाइल में बनाता हूँ क्योंकि एक फाइल में हम रखते हैं मेन CSS, एक में रखते हैं हम रिस्पॉन्सिव कोड, ओके। एंड इसके बाद अब क्या है मेरे पास इमेजेस, इमेजेस में मेरे पास क्या है कि इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर भी मेरे पास फोल्डर्स हैं लाइक BG में हमारे पास जितने बैकग्राउंड्स के इमेजेस है ना वो यहाँ पे हम कॉल करवा रहे हैं, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे इमेज में हमारे पास जितने भी कार्ड्स एंड बाकी अदर्स हैं वो यहाँ पे हम रख रहे हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको रिव्यू सेक्शन में दिखेगा जो स्लाइडर चल रहा है उस पार्ट का हम यहाँ पे रख रहे हैं। एंड एक तो आपके पास लोगो है ही जो हमारा मेन है, ठीक है। इसके बाद अब क्या हमारे पास JS की फाइल आती है, JS में मेरे पास एक मेन फाइल होगी, उस मेन फाइल में हम क्या करेंगे जैसे मैंने आपको बताया कि बूटस्ट्रैप के नेविगेशन को कस्टम कैसे करते हैं वो मोबाइल के लिए, एंड उसके बाद जो नंबर ऑफ काउंटडाउन चल रहा था ना स्क्रॉल पे वो कैसे चल रहा था वो उसके लिए JS हम इसमें लिखेंगे। तो ये फोल्डर स्ट्रक्चर रहेगा हमारा। इसके बाद इसी चीज को मैं आपको यहाँ पे भी समझा देता हूँ कि VS Code पे आपको index.html दिख रहा होगा, style.css दिख रही होगी, responsive style.css दिख रही होगी एंड main.js दिख रही होगी, ओके। एंड इस पे हम कर क्या रहे हैं वो देखिए। सबसे पहले तो आपका HTML रहेगा यहाँ पे, ठीक है। टाइटल में आपको टाइटल दिख रहा है एंड यहाँ पे बूटस्ट्रैप के लिंक लगे हुए हैं एंड उसके साथ में फॉन्ट ऑसम का लिंक लगा हुआ है, किसका? 5 का, ठीक है। सब कुछ लेटेस्ट यूज कर रहा हूँ गाइस इसमें मैं, कि जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लैंग्वेजेस चल रही है उसको आप सीख सके, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का जो सीडन लिंक है वो कैसे मिलेगा आपको, तो उसके लिए आपको क्या करना है,
आपको वेबसाइट पे लिखना है बूटस्ट्रैप। ओके, जैसे ही आप बूटस्ट्रैप लिखोगे तो आपको इस तरह की वेबसाइट आपको सबसे पहले मिलेगी टॉप पे, एंड उसमें यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में आके यहाँ पे क्या करना है, लेटेस्ट 5.0। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे आपको सीडन लिंक मिल रहा है, ये देखिए बूटस्ट्रैप 5 का। ओके, ये है आपका बूटस्ट्रैप 5। इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको जेएस की चाहिए तो बस जेएस लीजिए, एंड उसके साथ में अगर आपको प्रॉपर जेएस वाला भी चाहिए पार्ट तो वो आप यहां से ले सकते हैं। ओके, एंड बूटस्ट्रैप 5 में क्या डिफरेंस है 4 से, तो 4 में से एक मेजर डिफरेंस ये है गाइस कि पहले आपको यहाँ पे jQuery का लिंक भी मिलता था, एंड बूटस्ट्रैप jQuery पे डिपेंडेंसी थी, बट इन्होंने 5 में क्या करा, 5 में jQuery का पार्ट इन्होंने हटा ही दिया बिल्कुल। अब ये प्रॉपर आपके जेएस से चलती है और जेएस पे डिपेंडेंसी है इनकी, तो यहाँ पे आपको jQuery का लिंक नहीं मिलेगा देखने के लिए। और ऐसे ही मैं आगे आपको बताते जाऊंगा क्या क्या इन्होंने 4 में हटाया, 4 से 5 में चेंज करा एंड क्या डिफरेंस है उनके अंदर। ठीक है, एंड यहाँ पे ये चीज मिल गई आपको, और यही सीडन लिंक मैंने यहाँ पे आपका कॉल करवा रखे हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा 5 का एंड फॉन्ट ऑसम का। ठीक है, फॉन्ट ऑसम का कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो फॉन्ट ऑसम के लिए आपको लिखना है फॉन्ट ऑसम, ये सारे लिंक आपको पता है क्या है गाइस डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, एंड आपको इसमें क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ, इसमें कैसे कैसे आप चीजें आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये लिंक दिख रहा है, यही लिंक आपको कॉपी करके आपको अपने उसमें कॉल करवा लेना है। ठीक है, ये चीज तो हो गई आपकी, अब यहाँ पे मैंने ये चीज बता दी आपको। इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमारी फाइल कॉल करवा रखी है मैंने style.css एंड responsive.css। ठीक है, ये दो चीज कॉल करवा रखी है मैंने, एंड इसके बाद अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने पहले ऑलरेडी कमेंट कर रखा है। ये क्यों कर रखा है मैंने यहाँ पे सेक्शंस को डिवाइड कर रखा है। अब मुझे भी नहीं पता ना कि इसकी कितनी वीडियोस में मैं इस पार्ट को डालने वाला हूँ, बट मैंने क्या कर रखा है कि लाइक हर सेक्शन को एक एक पार्ट दे रखा है कि ये इस चीज का पार्ट है, ये इस चीज का पार्ट है, कि जिससे कि हमें आपको पता लग सके कि हम किस सेक्शन पे काम करने वाले हैं अभी। ठीक है, एंड इसके बाद बॉटम में आने के बाद जेएस की फाइल जो आपको मैंने अभी दिखा के लाया मैं सीडन, वो हमने यहां से कॉल करवा रखी है, एंड उसके बाद हमारी जो जेएस होगी वो यहां। इसके बाद चलते हैं अपनी सीएसएस पे। सीएसएस पे कुछ चीजें ऑलरेडी चल रही हैं गाइस, समझिए। सीएसएस पे फॉन्ट फैमिली मैंने लोड करवा रखी है यहां पे इंपोर्ट। ठीक है, उसके बाद में हैशटैग साइन पे बिफोर आफ्टर के साथ में ये चीज करवा रखी है। मैं इसलिए आपको ये पूरा सेटअप इसलिए समझा रहा हूँ कि बाद में आपको दिक्कत ना हो। ओके, एंड उसके बाद में एक्टिव के लिए मैंने बना रखा है, होवर के लिए बना रखा है, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा होवर के लिए। ठीक है, उसके बाद यूएल ओएल, एंड उसके बाद में ये वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये वेरिएबल्स क्यों मैं यहाँ पे कॉल करवा रहा हूँ, आपने देखा होगा मैंने हर वीडियो में आपको कहा है कि वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस प्रोजेक्ट में भी वेरिएबल्स यूज कर रहा हूँ। और वेरिएबल्स में मैं क्या यूज कर रहा हूँ वो आपको दिख रहा होगा, कलर्स के साथ में फॉन्ट फैमिली। ओके, और इसी चीज को हम करने वाले हैं यूज। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा HTML पे स्क्रॉल स्मूथ। अब जो स्मूथ आपको स्क्रॉल दिख रहा था ना, ये उसका पार्ट है, एंड बॉडी पे तो आपको दिख ही रहा है कि फॉन्ट फैमिली हमने प्राइमरी जिसमें हमें रोबोटो, एंड बाकी सेकेंडरी में हमारा सेकेंडरी, एंड उस पर आपको दिख रहा होगा फॉन्ट साइज 100% एंड फॉन्ट विड्थ ये है आपका। ओके, एंड इसके बाद में कस्टम स्क्रॉल बार, एंड कस्टम स्क्रॉल बार में आपको जो स्क्रॉल बार दिख रहा था ना साइड में, वो चीज मैंने यहाँ पे बना रखी है। ये पूरी मैं जब सीएसएस बताऊंगा उस टाइम पे, एंड यहाँ पे ये चीजें लिखी हुई है। ये जब मैं आपको अभी सीएसएस का पार्ट स्टार्ट करेंगे ना, तब ये डिटेल में समझाऊंगा, एंड इसके बाद रिस्पॉन्सिव की फाइल दिखा दूं। तो रिस्पॉन्सिव में कुछ मीडियो कैरी ऑलरेडी मैंने बना रखी है कि मेरे को कहाँ कहाँ पे ब्रेक करना है, वो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये देखिए मैं प्रॉपर लेके चल रहा हूँ हर डिवाइस को इसमें। एंड इसके बाद मेन जेएस है, मेन जेएस में हमें क्या क्या बनाना है, हमें तीन बनानी है, तीन के मैंने यहाँ पे टाइटल दिए हुए। ठीक है, तो ये चीज आप होप करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। एंड इसके बाद में अब क्या करना है आपको, सबसे पहले करना है हमें नैव से। तो नैव के लिए आप क्या लिखेंगे, बूटस्ट्रैप 5 में नैव। ओके, तो ये है आपका क्या, यहाँ पे बूटस्ट्रैप 5 में नेविगेशन। ओके, इस नेविगेशन को हमें यूज करना है अपने अकॉर्डिंग, कि हमारे जो हमने जो बना रहे थे उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे नैव है, यहाँ पे भी नैव है आपके पास, ये देखिए यहाँ पे है आपके पास, जैसा आपको मन करे वैसा आप रख सकते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे दिख रही है, ये हो गया आपका क्या, ये है आपका नैव। ओके, अब क्या करना है आपको इसी के अंदर, ये चीज तो आपने है, ये आप यहां से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने बता दी, बट इसी के अंदर मेरे पास जो कोड है मेरा, वो मैं यूज करूंगा इसके अंदर। यहाँ पे हेडर लूंगा सबसे पहले, ठीक है, हेडर हो गया। एंड इसके बाद में अब मेरे पास क्या है, हेडर के अंदर मेरे पास में यहाँ पे नैव होगा। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास कोड है नैव का, मैं यहां से करूंगा इसे कॉपी एंड मैं यहां कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या चीजें मैंने अपनी लगाई है और क्या क्या चीजें बूटस्ट्रैप की है। हेडर तो आपको पता ही है, हेडर यूज कर रहे हैं, नैव का हो गया, यहाँ से नैव बार बूटस्ट्रैप, ये बूटस्ट्रैप की लार्ज कि आपका जो स्केल है जितना बड़ा जाएगा वो उसके लिए हम कर रहे हैं, और ये है हमारी क्लास जिसपे हम करेंगे अपनी फंक्शन का काम। एंड इसके बाद कंटेनर आपको पता ही है बूटस्ट्रैप में। उसके बाद एंकर टैग है, एंकर टैग में मैं क्या कर रहा हूँ गाइज, यहाँ पे ब्रांड के अंदर, इमेज के अंदर, इमेजेस के अंदर जो लोगो है ना उसको कॉल करवा रखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, एंड इसके बाद में यहाँ पे बटन है आपका, ये बटन वही टॉगल बटन है जो कि आपको फोन पे दिख रहा है। ठीक है, एंड इसमें क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे कोई भी मेरी अपनी क्लास नहीं है,
बट यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, इस पे एक मैंने अपनी क्लास बनाई है, यहाँ पे नेबा टॉगल आइकन, ठीक है। अब इसके बाद आपने बटन पे देखा कि मेरी कोई क्लास नहीं है, बट यहाँ पे एक है क्लास मेरी, इनको करेंगे हम डिजाइन जब हम लिखेंगे सीएसएस। इसके बाद आता है आपका डिव। अब इस डिव पे आपको यहाँ पे कोलैप्स नैब बार कोलैप्स दिख रहा होगा, एंड यहाँ पे ये आईडी दिख रही होगी, यही आईडी आपकी इस पे होती है, देखिए, ठीक है। इस एट्रीब्यूट से चलती है क्लिक करने पे नेविगेशन मोबाइल में ओपन करवाने के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है नैब बार नैब, ओके, ये है यूएल का पार्ट, इसमें आपको एमएस ऑटो दिख रहा है। अब ये है न्यू क्लास, ठीक है। अभी तक आप बूटस्ट्रैप 4.3 में क्या लिखते थे, एमएक्स ऑटो, इट मींस कि लाइक लेफ्ट एंड राइट से ऑटो। अब आपने देखा कि यहाँ पे ये पार्ट आ गया, तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ बूटस्ट्रैप की, यहाँ पे मार्जिन ऑटो, आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे मार्जिन ऑटो लिखने के बाद में अब चीजें यहाँ पे आपको दिख रही होगी कि ये हमें क्या दिखा रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स ये चीजें दिखा रहा है हमें यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे को ये देखिए ये यूज करना बता रहा है लास्ट में, ओके, एम ई, ठीक है, एम ई आया यहाँ पे। अब एम ई और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मार्जिन ऑटो, ये लास्ट वाले के लिए है गाइस, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे आपको ये चीज दिख रही होगी, ऑटो में आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ये वाला यहाँ पे आपके पास आ गया लास्ट में, बिल्कुल ओके। तो ऑटो में आपका यही है कि लाइक की जो आपका दोनों तरफ से सेंटर लेगा, बट एम ई मार्जिन यूटिलिटीज, ठीक है, ये क्लासेस हैं कुछ बनी हुई इनकी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एम एस, एम एस, एम डी, एस एम, ये सब कुछ वही है जो फोर में यूज होता था, बस थोड़ा सा क्लास का नाम चेंज करा इन्होंने, ठीक है। अब मैं तीसरे वाले की बात करता हूँ, तीसरे वाले में एम ई ऑटो लगा हुआ है, तो ये क्या है, ये है आपका राइट, ठीक है, राइट साइड से आपका ये करेगा, ठीक है, और यहीं पे आपका एम ई यहाँ पे आपको दिख रहा है, ऑटो दिख रहा है, बाय डिफॉल्ट एम एस दिख रहा है, ठीक है। ये सारी क्लासेस वही हैं जो कि आप इसमें डिफाइन हो रही हैं और जो बदली गई हैं, ठीक है, ठीक है, सेंटर में करने के लिए ये चीज हो गई। इसके बाद अभी क्या है, यहाँ पे मैं आपको अपने कोड में और समझाता हूँ, इसके बाद बाकी तो वही क्लासेस है, सेम सेम है, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ और यहाँ। इसके बाद आपको दिख रहा है मेरी एक अपनी क्लास है बटन पे, यूएल के अंदर एक मैंने बटन रखा अपना बी टी एन, एंड वो चीज मैंने यहाँ पे नैब बार में कॉल करवा ली। तो ये हो गया नैब बार का पार्ट, ठीक है। अब नेविगेशन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको मैं डिफरेंसेस बता दूं, मैं इसलिए ये बिल्कुल डिटेल में कवर कर रहा हूँ गाइस कि आपको कुछ भी कंफ्यूजिंग ना हो। यहाँ पे आपको दिख रहा है मेरा नैब बार भी सेम था, इसके अंदर से बस मैंने क्या करा, यहाँ से दो क्लासेस हटा दी, कंटेनर फ्लूइड था, मैंने कंटेनर रखा वहां पे, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए कंटेनर है मेरा, ठीक है, नैब बार है आपका यहाँ पे, आप समझ गए। इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेम कि आप यहाँ पे लोगो जो मैंने लगाया, यहाँ पे बटन है आपके पास, यहाँ पे आपका वो डिव सेम है जो कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, इसमें से बस मैंने रिमूव कर दिया जो हमें नहीं चाहिए। तो ये पूरा नेविगेशन आपको समझ गए कि कैसे वर्क कर रहा है। इसके बाद चलेंगे अपने यहाँ पे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा देखिए लोगो जो मैंने आपको बताया इमेजेस के अंदर पड़ा है पहले से, और यहाँ पे नेविगेशन में आपको अबाउट होम ये सब सब दिख रहा है, और ये बटन बाय डिफॉल्ट कैसे बना हुआ आ गया ये अब बात करते हैं अपनी सीएसएस में चल के। तो सीएसएस में कैसे होने वाला ये चीज तो वो देखते हैं पहले, एंड देन उसके बाद में आपको आगे का बताता हूं मैं। तो यहाँ पे चलते हैं अपनी सीएसएस में, स्टाइल डॉट सीएसएस में, यहाँ पे आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ। वो तो हो गया आपका नेविगेशन का पार्ट, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे मैंने आपको बताया मैंने फॉन्ट यहाँ पे इंपोर्ट करा रखा है, इसके बाद में हैशटैग बिफोर एंड आफ्टर के साथ में हम क्या कर रहे हैं, बॉक्स साइज इन बॉर्डर बॉक्स, मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो, ओके, ये चीज आप समझ गए। इसके बाद में एक्टिव होवर एंड फोकस पे हमने बाय डिफॉल्ट इसको क्या करा, आउटलाइन नहीं चाहिए और आउटलाइन ऑफसेट भी नहीं चाहिए हमें, ठीक है, ये चीज हमने हटा दी, ये चीज हटा दी हमने। इसके बाद एंकर पे हम क्या कर रहे हैं, एंकर पे होवर के साथ में यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर रहे हैं होवर एंड बाय डिफॉल्ट, एंड होवर करने पे आपको कलर क्या दिखेगा एंकर का, वो आपको ये दिखेगा प्राइमरी, ठीक है, जितने भी होवर होंगे एलआई के अंदर जितने भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये आपको दिख रहा है, तो इसमें ये चीज दिखेंगी, ठीक है। अब क्या है कि वहां पे आपने होवर करते हुए यहाँ पे देखा होगा कि ब्लू कलर आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं जहां पे इसको क्या कर दूंगा, अगर मैं यहाँ पे नॉट इंपॉर्टेंट लगा दूंगा ना यहाँ पे, इट मीन्स कि इंपॉर्टेंट, तो आप देखेंगे जैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ ना, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे होवर करूंगा तो देखिए आपको दिख रहा होगा ये देखिए रेड कलर आ रहा है, ठीक है, आप समझ रहे हैं, नहीं तो आपका ब्लू ही कलर आएगा क्योंकि बूटस्ट्रैप आपको पता है कि इंपॉर्टेंट क्लास यहाँ पे कॉल करवाता है वो। इसके बाद यहाँ पे यूएल ओएल पे आपको दिख रहा होगा मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो, ठीक है, ये चीज होगी किसकी, ये जो बाय डिफॉल्ट चीजें हमारे पास एलिमेंट होता है एचटीएमएल का, उसमें जो बाय डिफॉल्ट चीजें आती हैं उसको रिमूव करने की। इसके बाद आते हैं अपने यहाँ पे वेरिएबल्स पे। अब इस वेरिएबल्स पे आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स क्यों कॉल कराए, कलर्स एंड फॉन्ट के लिए, जिससे कि सीएसएस बार बार ना लिखनी पड़े कोड की हमें, कलर कोड की। इसके बाद एचटीएमएल पे स्मूथ चलाने के लिए, बॉडी पे मैंने आपको बता ही दिया, कस्टम स्क्रॉल। अब आपको यहाँ पे कस्टम स्क्रॉल में दिख रहा होगा कि डायरेक्ट मैंने वेबकिट लगाया। जब भी हम डायरेक्ट लगाते हैं ना गाइस, तो हम क्या करते हैं, जो हम बता रहे होते हैं ब्राउजर को, जो ब्राउजर में स्क्रॉल बार है ना उसको डायरेक्ट हमें मॉडिफाई करना है। अगर हमें किसी भी डिव के अंदर स्क्रॉल बार चाहिए होता है ना, तब हम वहां पे उसको लिए क्लास या आईडी का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद है कस्टम सीएसएस डिजाइन, इसमें मैंने क्या करा, H1
H2, H4, जितने भी हमारे पास जितने मेरे को नीड है इसके अकॉर्डिंग वो मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो फॉन्ट साइज बताया, फॉन्ट वेट बताया, मार्जिन बताया एंड कलर कोड। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है H2 पे भी मैंने वही चीज करी, फॉन्ट वेट, साइज एंड ट्रांसफॉर्म, फॉन्ट फैमिली एंड कलर एंड यहाँ पे लाइन हाइट। ठीक है, एंड 4 पे भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 4 पे हमने वही सेम चीज जो ऊपर बताई, 5 पे भी वही सेम, एंड P पे भी हमने बताया कि फॉन्ट साइज 1 RM होगा, इट मीन्स कि 16 पिक्सल होता है 1 RM, आप उसको काउंट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। एंड इसके बाद यहाँ पे कलर, फॉन्ट वेट, लाइन हाइट, लाइन स्पेस, ठीक है, लेटर स्पेस यहाँ पे। एंड जो बटन आपको बाय डिफॉल्ट दिख रहा था ना वो ये है गाइस, कॉमन क्लास। इस पे हमने क्या करा, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, पैडिंग दी है मैंने टॉप एंड बॉटम से, लाइन हाइट दिया है, बैकग्राउंड कलर दिया है मैंने, बॉर्डर कलर दिया है इस पे, टेक्स्ट कलर दिया है, फॉन्ट साइज दिया है, फॉन्ट वेट दिया है एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म दिया है मैंने यहाँ पे, एंड बॉक्स शेडो दिया है यहाँ पे। एंड इसके बाद में यहाँ पे आपको ट्रांजिशन दिख रहा है, जो आपको होवर इफेक्ट दिख रहा है ना वो ट्रांजिशन से दिख रहा है। और इसमें मैंने ये तीन चीजें क्या क्या है वो समझिए, वेबकिट ट्रांजिशन क्यों यूज हो रहा है आपका, वो यूज हो रहा है आपका आपका क्रोम एंड सफारी के लिए। जितने भी 2D एंड 3D इफेक्ट होते हैं ना तो उनको एनिमेट करने के लिए हम इस चीज का यूज करते हैं। उसके बाद है ओपरा मिनी, ठीक है, ओपरा मिनी के लिए यूज होता है। उसके बाद है ये आपका किसके लिए, ये होता है आपका फायरफॉक्स के लिए। ठीक है, ये चीज समझ गए आप। इसके बाद है आपको अगर व्हाइट बटन चाहिए, ठीक है, अब आपको ये चीज दिख रही होगी कि यहाँ पे आपका मैंने मेन बटन तो बना लिया, एक व्हाइट बटन के लिए मैंने एक क्लास बना रखी है, उस पर मैंने ये चीजें सेम रखी है, बस मैंने कलर चेंज कर दिया, दैट्स इट। ओके, एंड इसके बाद आपको दिखेगा कि मेन बटन पे होवर करने पे आपको क्या दिखेगा कि बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए और कलर का टेक्स्ट जो कि आपका प्राइमरी कलर है वो होना चाहिए। एंड व्हाइट पे क्या होना चाहिए, व्हाइट पे उसका कलर एंड बॉर्डर कलर ये हो जाएगा एंड बैकग्राउंड आपका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा जो कि व्हाइट कलर का है, नहीं दिखेगा। एंड एक क्लास होने वाली है जो कि आगे चल के हम यूज करेंगे, उसका नाम है रैपर। उसमें हम पैडिंग टॉप एंड बॉटम दे रहे हैं जो कि टॉप से होगा आपका 8.5 RM का, ठीक है, दोनों तरफ से। इसके बाद है हमारा टेक्स्ट कंटेंट, इस नाम की क्लास को भी हम कॉल करेंगे आगे चल के। ये कुछ क्लासेस हैं जो कस्टम हम बना सकते हैं अपने लिए जो प्रोजेक्ट में यूज करते हैं हम, ठीक है। विड्थ होगी उसकी 70%, मार्जिन ऑटो जिससे कि वो सेंटर में रहे, ठीक है। इसके बाद आपका क्या होने वाला है, काउंटर सेक्शन के H2 एंड आपका जितने भी सेक्शन, स्लाइडर का सेक्शन एंड फूड टेक्स्ट सेक्शन का जो भी H2, इन सब पे कलर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये है ग्रुपिंग। ओके, ये सारा कुछ आपका किसके लिए आ गया, ये सारा कुछ आ गया आपका कस्टम कोड के लिए, ठीक है, आप समझ गए, ये सारा कस्टम कोड के लिए। एंड वहां मैंने नेविगेशन का लिखा था। अब इसके बाद नेविगेशन में कैसे स्टार्ट करना है किस CSS से, तो वो देखते हैं। एंड गाइज एक चीज मैं आपको बता दूं, इन सारा कुछ कोड, सोर्स कोड तब अवेलेबल करूंगा मैं जब मुझे इस वीडियो पे 100 लाइक एंड 100 कमेंट होंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बस मैं ये देखना चाहता हूं कि अगर मेरी हार्डवर्क को कितने लोग ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। वैसे भी मैं सोर्स कोड प्रोवाइड करा दूंगा, बट मैं एक टारगेट दे रहा हूं, इस टारगेट को अगर आपने अचीव करा तो सोर्स कोड आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं आप ये चीज करवा पाते हैं या नहीं। इसके बाद आपको अब क्या करना है, यहाँ पे नेविगेशन लेना है। कौन सी क्लास होगी नेविगेशन की वो आपको मैं बता देता हूँ। तो ये होगी हमारी ये वाली, ठीक है, ये हम कर रहे हैं हेडर का पार्ट। ओके, ध्यान रखिएगा, इस हेडर के पार्ट में यहाँ पे इस क्लास को लिया हमने। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये चीज फिक्स्ड हो। ओके, इसको मैं कर दे रहा हूँ फिक्स, एंड इसकी विड्थ बना दूंगा मैं आपका 100%। लेफ्ट आपका क्या रखेगा, यहाँ पे लेफ्ट आपका 0 बताना है आपको, ठीक है, 0 रहेगा। ओके, एंड जेड इंडेक्स आपका क्या रहेगा, यहाँ पे जेड इंडेक्स आपका होगा 1000, ठीक है, ये चीज हो गई। एंड इसके बाद में ट्रांजिशन, एंड ट्रांजिशन में आपको क्या रखना है, ओके, ट्रांजिशन की स्पेलिंग गलत हो गई, ट्रांजिशन, एंड ट्रांजिशन में आपको सबसे पहले रखना है ऑल 0.3s इजी आउट, ये चीज आप समझ गए। इसी चीज को कॉपी करके अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा यहाँ पे वेबकिट, जो कि मैं अभी आपको ऊपर समझा चुका हूं, इसलिए मैं अब ये चीज बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये चीज आपकी हो गई, तो ये चीज आपके किसके लिए थी, आपकी थी ये मेन वाले के लिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है नैव के लिए। इसके बाद चलेंगे आप ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिखेगा, तो देखिए अभी यहाँ पे आपको कोई डिफरेंस नहीं होगा कि फिक्स्ड है या नहीं है, क्योंकि स्क्रॉल बार तो है ही नहीं बाय डिफॉल्ट। तो ये चीज आपको तब दिखेगी जब इसमें हम बैनर का पार्ट बना लेंगे, थोड़ा कंटेंट एक्स्ट्रा हो जाएगा तब, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, अब ये चीज तो हो गई आपकी, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको पास ले चलता हूँ इसके। एंड अब इसमें आपको ये क्लास तो हो गई, अब इसके बाद डॉट लगाना है आपको अगेन, एंड इसके बाद में अब यहाँ पे लेना है आपको नेविगेशन रैप क्लास में डॉट नैव आइटम, ठीक है, ये क्लास हो गई आपकी। इसमें आपको क्या करना है, पैडिंग लेना है 0 टॉप एंड बॉटम से 0 रहेगा एंड 2.5 RM लेफ्ट एंड राइट से, ठीक है। एंड RM के लिए मैंने बता दिया आपको कि 1 RM आपका 16 पिक्सल के लिए गिना जाता है, तो उस तरीके से आप इसको काउंट कर सकते हैं। एंड मैं RM इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि आपको हर चीज लेटेस्ट ही बताऊंगा मैं, ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पे भी लगा दी, ठीक है। एंड इसके बाद में इसमें ये इजी आउट नहीं होगा, एंड इसको थोड़ा सा और स्मूथ करते हैं चीजों को,
तो यहां पे मैं एमएक्स लेता हूं एंड यहां पे इफेक्ट बदलते हैं इसका। ये है किसका, नैव आइटम का, और नैव आइटम कहां पे है वो समझिए, नैव आइटम ये रहा एल आई को, हमने सीधा एल आई को करा है। इसके बाद में अब क्या करना है, अब इसके बाद में इसका बटन, ये जो बटन है ना जो फोन पे दिखेगा, इसको भी यही करेंगे डिजाइन। तो कैसे करेंगे वो देखिए, जैसे मैं इसको करूंगा, मैं इसके लिए कोई अपनी क्लास से इसको गेट नहीं कर रहा, डायरेक्ट क्लास पे जो फोकस होता है ना तो उस पर मैं क्या कर रहा हूँ वो देखिए, आउटलाइन को अनसेट करूंगा सबसे पहले, तो नहीं चाहिए हमें, बॉर्डर अनसेट करूंगा, ठीक है। अनसेट प्रॉपर्टी आपकी इसलिए यूज होती है गाइस कि आप किसी भी वैल्यू को नहीं देना चाहते ना उस टाइम पे आप उसको यूज करें अनसेट को, वो उस प्रॉपर्टी को अलाउ ही नहीं करेगा, ठीक है। एंड बॉर्डर यहाँ पे आपका क्या होगा, नन, एंड उसके बाद में आपका बॉक्स शैडो भी आपका नन दिखेगा। ये है किस पे, ये है फोकस पे। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे अभी ब्राउजर पे, तो यहाँ पे तो आपको ये ओवर इफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। बट इसी चीज पे जब मैं इंस्पेक्ट करके आऊंगा, ठीक है, एंड मैं इसको फोन पे ले चलता हूँ, तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करने पे जो फोकस आता ना उस चीज को हमने हटाया है, ठीक है, आप समझ रहे हैं, उसी चीज को हमने हटाया है यहाँ पे। तो ये सारा कुछ मैं कवर करता चलूंगा रिस्पॉन्सिव तक भी, ठीक है। इसके बाद ये चीज होगी, इसके बाद अब क्या करना है आपको, डॉट नैव, ठीक है, नैव लिंक डायरेक्ट, डायरेक्ट बूटस्ट्रैप की क्लास हो गए। एंड इसके बाद में फॉन्ट साइज यहाँ पे क्या बताएंगे आप, 0 point, ठीक है, 9 RM, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमने फॉन्ट साइज बता दिया, इसके बाद में फॉन्ट वेट होगा आपका, फॉन्ट वेट कितना होगा 600 का, थोड़ा सा बोल्ड दिखाना है हमें। एंड यहाँ से आपका ट्रांसफॉर्म, एंड ट्रांसफॉर्म में आपका क्या आने वाला है, कैपिटलाइज, ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद में आप कलर बताएंगे, यहाँ पे वेयर रखेंगे, वेयर में आपको पास कौन कौन सा कलर है, आपके पास प्राइमरी कलर है आपके पास, तो प्राइमरी देंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे लेटर स्पेसिंग करना है हमें, तो लेटर स्पेसिंग कितना होगा, 1 pixel का होगा। और ये क्लास कहाँ पे वो देखिए, ये क्लास है आपकी ये रही, हर एंगल टैग पे आपकी ये क्लास यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसके बाद में एक चीज और है वो भी कर लेते हैं, देन उसके बाद देखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे जो मेरी अपनी खुद की क्लास थी उस पर नैव रैप पे डॉट मेन BTN, ठीक है, जो कस्टम क्लास मेन BTN नहीं है उसको मॉडिफाई करने के लिए मैंने अपनी क्लास से गेट करा उसे। एंड 0.5 यहाँ पे 3.25 RM सबसे पहले टॉप एंड बॉटम से 0.375 RM, ठीक है, ये चीज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। एंड इसके बाद में बॉक्स शेडो होगा आपका, क्या करना है उसे, नन चाहिए नहीं हमें। एंड यहाँ से आपका मार्जिन लेफ्ट होगा, और लेफ्ट में कितना होगा वो होगा 0.625 RM, ठीक है, ये चीज आप देख रहे हैं, ठीक है, ये किसके लिए, ये नेविगेशन के लिए, ठीक है। एंड इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, तो देखिए होम, अबाउट अस, यहाँ पे आपका जितना भी है सारा टेक्स्ट आपका दिख रहा है, एंड ये होवर इफेक्ट तो आपका यहाँ पे चल ही रहा था, ठीक है। ये चीज क्यों करी गई बटन पे, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, क्योंकि उस पर आपको शेडो नहीं देना था मेरे को, पैडिंग थोड़ी उसकी कम करनी थी, एंड लेफ्ट से उसे थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा देना था कि जिससे कि विजिबल एक्यूरेट दिखे स्पेस, ठीक है। एंड अब क्या, इसके बाद में अब क्या करना है आपको इसी के अंदर, ठीक है, इसी के अंदर आपको अब क्या करना है, इस पे जब आप स्क्रॉल करेंगे ना तो वो चीज बनानी है आपको, किसके लिए, फिक्स्ड के लिए, जो इफेक्ट है ना आपका फिक्स्ड का वो भी तो बनाना है अभी, तो वो कैसे बनाना है वो देखिए। तो नेविगेशन, ठीक है, रैप पे, अब ये है थोड़ा सा जब इस पे क्लास आएगी तब स्क्रॉल, ठीक है, स्क्रॉल ऑन, ठीक है, इस नाम की जब क्लास आएगी तो उस टाइम पे भी आपको क्या रखना है इसको, फिक्स्ड, ओके, फर्स्ट। एंड ये होगा आपका टॉप से उस टाइम पे, वैसे होगा लेफ्ट 0, ठीक है। एंड इस टाइम पे भी आपकी विड्थ हो जाएगी आपकी कितनी, 100% की। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में वेयर होगा आपके पास, वेयर में आपके पास क्या होगा, व्हाइट है, ये चीज हो गया। इसके बाद में बॉक्स शेडो होगा आपका, बॉक्स शेडो में आपको क्या करना है, 0, 0, ठीक है, एंड 1.5, ओके, पॉइंट रह गया आपका RM, ठीक है, एंड 1.75 RM, ठीक है, 0 RGBA, ठीक है, ए नहीं लेंगे, एंड 0.0, ठीक है, एंड .0.9, ठीक है, ये हो गया आपका शेडो के लिए। इसके बाद आपका यहाँ पे आएगा ट्रांजिशन, ऑल, ऑल में यहाँ पे 0.5S, ठीक है, एंड यहाँ पे आपको क्या देना है, इजी इन आउट, ओके, एंड 0S। तो ये क्लास कब आएगी, जब ये स्क्रॉल में हम फंक्शन बनाएंगे ना, ये उस टाइम पे क्लास आएगी। और ये क्लास किसकी है, वो आपकी है, यहाँ की नहीं है, मैंने, आपने देखा कि मैंने यहाँ कमेंट कर रखा है, वो इसीलिए कमेंट कर रखा है कि आपको कंफ्यूजिंग ना हो, वो इस चीज की है, ठीक है, स्क्रॉल फंक्शन की, जब वो चेंज होगा उसका बिहेवियर ऑन स्क्रॉल पे। तो अभी क्या है कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि नेविगेशन तो बन गया, अब इसके बाद में हमें क्या करना है, अब यहाँ पे HTML करेंगे स्टार्ट, किसका, बैनर का, जो यहाँ पे बैनर दिख रहा था ना वो भी तो चाहिए, तो अब उसके लिए यहाँ पे आएंगे,
यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सेक्शन वन टॉप बैनर दिख रहा होगा आपको। इसके अंदर आप यहाँ पे आप लिखेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे सेक्शन, यहाँ पे एक आईडी देंगे। इस आईडी में आपको यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होम होगा, ठीक है। अब ये आईडी क्यों दे रहे हैं वो समझिए। आपने जो स्क्रॉल स्मूथ देखा था ना, जब मैं आपको क्लिक कर रहा था किसी भी नेविगेशन पे, तो उसके लिए तो हमने सीएसएस में एचटीएमएल पे एक सीएसएस लगा दी है जिससे कि वो स्मूथ चलेगा। बट इसको कॉल कैसे करवाते हैं, तो कॉल करवाते हैं एचआरईएफ से। ये देखिए जो मैं आईडी वहां यूज कर रहा हूँ वो एचआरईएफ में यहाँ पे कॉल करवाते हैं, जिससे कि वो आपको पता लगा सके कि मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो उसका सेक्शन कहाँ पे है, ठीक है। एंड स्क्रॉल के लिए तो हमने सीएसएस लगा ही दी है वहां पे, ठीक है। तो ये चीज आप समझिए कि जो आप आईडी देंगे वही वहां पे आपका नैप बार में भी आईडी होनी चाहिए। एंड इसके बाद में आप नेक्स्ट लेंगे यहाँ पे कंटेनर, एंड कंटेनर में आपका यहाँ पे कंटेनर नहीं होगा, केवल कंटेनर के साथ में यहाँ पे कंटेनर फ्लूड होगा, कंटेनर फ्लूड, ठीक है। एंड पीएक्स जीरो, इट मींस कि पैडिंग लेफ्ट एंड राइट से जीरो होगा, इसमें नहीं चाहिए हमें। एंड जो हमारी क्लास का नाम होगा वो होगा आपका टॉप बैनर, ठीक है। इसके बाद में अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्लास ले रहे हैं, एक तो फ्लूड हो गया हमारा, एंड एक उसके बाद में हमारा कंटेनर है, इसमें कंटेनर ही रखना है बस आपको। इसके बाद एक रो लेना है आपको, ठीक है। एंड रो में आप देखेंगे तो ये रो हो गया आपका। इस रो के बाद में आप यहाँ पे लेंगे क्लास अगेन, एंड इस क्लास पे होगा कॉल एल जी, एल जी में आपको क्या बताएंगे, आप फाइव बताएंगे, ठीक है। एंड कॉल एम डी, एम डी में आप इसे क्या रखेंगे, सिक्स रखेंगे, ठीक है। ये चीज होगी, आप समझ रहे हैं कि लार्ज स्क्रीन पे फाइव होगा, बट ये एम डी पे मिडिल जब स्क्रीन आएगी उस टाइम पे सिक्स हो जाएगा, ठीक है। और उससे नीचे तो हम डिफाइन नहीं कर रहे क्योंकि वो ऑटोमेटिक लेगा। इसके बाद में अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, एच वन और पी, ठीक है। दो मैंने आपको जो बैनर पर टैग्स दिखाए थे वो मेरे पास ऑलरेडी मेरे पास हैं, तो मैं यहां से करूंगा इनको कॉपी एंड मैं यहां कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। ये चीज आप समझ रहे हैं, H1 लिया मैंने और H1 की CSS हमने ऑलरेडी लिख रखी थी, P की भी हमने ऑलरेडी लिख रखी थी जो कि मैं आपको कॉमन वाले में लिखा के आया। इसके बाद में आप क्या करना है, आपको यहाँ पे एक और डिव लेना है। डिव पे क्या करना है, MT4, इट मींस कि मार्जिन टॉप से, ओके मार्जिन टॉप से। इसमें आपको क्या करना है, बटन लेना है, बटन पे आपको क्लास लेनी है एंड क्लास का नाम होगा btn, ओके ये आप समझ रहे हैं। इसके बाद इसके अंदर आएगा आपका ऑर्डर नाउ, ठीक है। इस ऑर्डर नाउ के बाद में आप यहाँ पे आपको फॉन्ट ऑसम का आइकन कॉल कराना है, वो जो आइकन आपको दिख रहा था ना वो कॉल कराएंगे, एंड उसका नाम है आपका शॉपिंग बास्केट, ओके। एंड इसमें होगा आपका ps3। अब ये ps3 की क्लास कौन सी है वो आप देखिए, ठीक है। अब चलेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे बूटस्ट्रैप पे आने के बाद पे हम लिखेंगे पैडिंग गाइस, ठीक है। अब पैडिंग में आने के बाद मार्जिन पैडिंग का आपको दिख रहा होगा, इस मार्जिन पैडिंग में अब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे पूरी डिटेल लिखी हुई है इन्होंने, ठीक है। एम का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है, बी एस, ये जो एस इन्वेंट हुआ है ना फाइव में, तो इसका मतलब क्या है, स्टार्ट फॉर क्लासेस द सेट मार्जिन लेफ्ट, ओके एंड पैडिंग लेफ्ट, ओके ये राइट एंड पैडिंग, ठीक है। समझ रहे हो कि स्टार्ट एस मतलब कि पी एस मतलब कि स्टार्ट, स्टार्ट से लेना है आपको। ई मतलब क्या है आपका, एंड से लेना है आपको। तो जो आपका स्टार्ट एस का मतलब है वो होगा आपका लेफ्ट साइड से, एंड ई का मतलब होगा राइट साइड से, ठीक है समझ रहे हैं आप। एंड एक्स का मतलब तो आपको पता है कि लेफ्ट एंड राइट बोथ, एंड वाई का मतलब आप समझ रहे हैं कि टॉप एंड बॉटम बोथ, ठीक है। तो ये आप समझ रहे हैं, यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है इन्होंने। इसके बाद अब क्या करना है हमें, अब चलते हैं अपने यहाँ पे कोड पे, एंड यहाँ पे एक चीज और अभी हमें क्या करनी है वो देखिए। यहां से मैं इसको करूंगा कॉपी, मैं कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। एंड इस पेस्ट करने के बाद सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या चेंज करेंगे, यहाँ पे होगा आपका चेंज वाइट btn, जो कि मैं आपको दिखा के लाया था, ठीक है। एक चीज तो हमने ऊपर बना दी, एंड यहाँ पे चेंज क्या होगा, ऑर्डर नाउ तो रहेगा ही रहेगा। इसके अंदर अब यहाँ पे क्लासेस यूज करेंगे कुछ mx lg 4, इट मींस कि जो mx है ना आपका मार्जिन स्टार्ट, ओके जो लेफ्ट साइड से होता है वो आपका lg lg पे रहेगा, बट उसके साथ में mt lg 0, ठीक है, कि आपको जीरो दिखाना है जो मार्जिन टॉप है, एल जी पे नहीं होगा, बट बाकी हर जगह पे रहेगा कितना, 4, आप समझ रहे हैं, बाकी हर जगह पे 4 होगा। एंड इसके साथ में जो आइकन है ना आपका, इस आइकन को चेंज करेंगे यहाँ पे, ये आइकन यहाँ पे आके आपका ये बन जाएगा जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और ये सारे के सारे आइकन आपको कैसे मिलेंगे वो देखिए, इस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं तो लिख दूंगा आइकन, बट आपको कैसे मिलेंगे, तो यहाँ पे फॉन्ट ऑसम आइकन आप सर्च करेंगे सबसे पहले वेबसाइट को, एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको ये आपकी वेबसाइट आएगी इनकी खुद की, ठीक है। इस वेबसाइट में आपको क्या करना है, ये आपको इनपुट दिख रहा है ना, इस पे आपको लिख देना है जो भी आपको मैं बता रहा हूँ आइकन, इस पे क्लिक करते ही आपको ये लिस्ट दे देगा कुछ, और इस लिस्ट को आप ले रहे हैं, ठीक है। अब समझिए आपको ये चीज चाहिए, ये आइकन चाहिए, इस पे आप क्लिक करेंगे,
ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये लोड होगा। ओके, लोड होने के बाद में ये आइकन का आपको यहाँ पे देखिए आई दे देगा ये पूरा, ठीक है, शॉपिंग कार्ट का, आप समझ रहे हैं। इसी को आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे अपने कोड पे आके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, दैट्स इट, इतना ही काम है। बाकी इसके अंदर जो क्लासेस यूज हो रही हैं वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद चलेंगे यहाँ पे अपने कोड पे एंड यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हमने इसको फिक्स रखा था, आप समझ रहे हैं ना। ये फिक्स रखने के बाद क्या प्रॉब्लम हुई, फिक्स रखने के बाद ये क्या कर रहा है, अपने आप को पेरेंट समझ, इसके पास कुछ नहीं है तो ये टॉप से ले रहा है, ठीक है। बट हमें तो ऐसा दिखाना ही नहीं है, तो हमें कैसा दिखाना है तो वो देखिए। अब चलेंगे यहाँ पे अपने कोड में एंड कोड में आने के बाद जो हमने इसका सेक्शन बनाया था टॉप बैनर डिजाइन का, उसी में लिखेंगे एंड जो हमारी क्लास थी वो उसका नाम था टॉप बैनर, ठीक है, आप समझ रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, आपका विड्थ लेंगे एंड विड्थ जो होगी वो होगी आपकी कितनी 100% की एंड बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज होगी आपकी एंड इमेज में यूआरएल लेंगे। इस यूआरएल में मेरे पास जो इमेजेस नाम का फोल्डर है उसे एक्सेस करने के लिए सबसे पहले अपनी डायरेक्टरी के बाहर जाएंगे, उसके बाद एक्सेस करेंगे अपनी बीजी के अंदर BG1, ठीक है, ये हो गया। एंड शॉर्ट प्रॉपर्टी आप समझेंगे ना, तो देखिए शॉर्ट प्रॉपर्टी लिख रहा हूं मैं, नो प्रॉपर्टी एंड सेंटर, आप समझ रहे हैं। ये तीन प्रॉपर्टी मैंने एक ही जगह लिख दी। अब कैसे लिख दी, अब मैं अगर इससे यहां से हटा दूं, अगर यहां से बैकग्राउंड कर दूं, तो बैकग्राउंड का मतलब सबसे पहले ये सारी बैकग्राउंड को लेगा, उसमें जो जो प्रॉपर्टी होती है। तो यूएल को लिया हमने पहले, इमेज कॉल करी, फिर बैकग्राउंड रिपीट को उसने नो रिपीट कर दिया, फिर बैकग्राउंड पोजिशन को मैंने सेंटर बता दिया जो कि चारों तरफ से सेंटर में रहेगा, आप समझ रहे हैं, यह है शॉर्ट एंड। इसके बाद में बैकग्राउंड एंड बैकग्राउंड साइज लेंगे एंड यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ कवर होगा आपका, ठीक है, एंड यहाँ से पैडिंग बताएंगे आप। अब है पैडिंग एंड पैडिंग में होगा 16.87 REM टॉप एंड बॉटम बोथ, ओके, एंड लेफ्ट एंड राइट आपका जीरो होगा एंड बॉटम में आके अब ये क्या करेंगे, हम आपको इसको थोड़ा कम कर देंगे, दैट्स इट। तो इसका मतलब ये टॉप से हमारा 16 तो लेगा बट हमारा बॉटम से नहीं लेगा, बॉटम से 9 आ जाएगा, ठीक है, ये चीज समझ गए आप। और ये क्लास कहाँ पे थी वो देखिए, ये क्लास है आपकी ये रही। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपका एक्यूरेट दिख रहा होगा कि आपका बैकग्राउंड इमेज भी आ गई है आपके पास एंड आपका जो टेक्स्ट लिखा था वो सारा कुछ आ गया है। ये सब कुछ क्यों आ रहा है आप समझिए, क्योंकि मैंने बाय डिफॉल्ट कस्टम क्लासेस बना रखी थी उससे, तो उसे हमें ज्यादा लिखने की मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। ऐसे ही आप किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं ना, तो चीजें पहले ही बना के रखिए देन उसके बाद आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे ना तो बहुत ईजी होगा आपको, ओके। तो मैं आपको समझा देता हूँ क्यों। अब आपने देखा कि मैंने ये क्लास बस एक CSS लिखी, ओके, बट उसके ऊपर आपने देखा स्क्रॉल की ये रही, नेविगेशन की ये रही, ठीक है। इसके बाद जितनी भी यहाँ पे ये लिखी हुई थी ना क्लासेस, ये वर्क कर रही हैं अभी हमारे लिए, ठीक है। ये सारा कुछ कस्टम कोड है कि मैंने H1 को पहले बता दिया, H2 को पहले बता दिया, H3, 4, 5, P, मेन बटन, वाइट बटन, आप समझ रहे हैं, होवर इफेक्ट सब पहले हमने डिफाइन कर दिया। तो हमें क्या करना पड़ रहा है, बहुत कम लिखना पड़ रहा है अब, ठीक है, ये चीज तो आप समझ गए। इसके बाद में अब क्या करना है आपको, ये चीज तो हो गया, ठीक है। इसके बाद में अब आपको काउंट, जो काउंट वाला सेक्शन था ना वो भी तो बनाना है, तो वो हम बनेगा हमारा Section 2 काउंट के अंदर, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमें सेक्शन आईडी लेनी है और आईडी में हमारे पास कौन सी आईडी होगी वो देखिए। अब ये आईडी तो मैंने यहाँ पे ले ली, ठीक है। अब ये आईडी मेरी क्या है, नेविगेशन में भी तो डिफाइन होनी चाहिए। आइए मैं थोड़ी देर के लिए हेडर को करता हूँ यहाँ पे मिनिमाइज, ठीक है, एंड इस हेडर में ओके मैं करता हूँ बैनर को मिनिमाइज, ठीक है। इस हेडर में हमारे पास क्या है, अभी आप देख रहा होगा आपको यहाँ पे कि आपका होम है, अबाउट है, फूड है और ये सब, बट हमारे पास नहीं है, तो इस आईडी को लेने का फायदा क्या। अब जैसे कि आपके पास सेक्शन कोई और हो, कोई और नेविगेशन आप ऐड करना चाहते हो, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक आईडी देने का, तो आईडी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है कि आईडी में हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। एंड इसी के साथ में आप यहाँ पे लेंगे सेक्शन एंड सेक्शन पे आपको क्या करना है, आप यहाँ पे काउंटर सेक्शन, ठीक है, ये है सेक्शन के अंदर सेक्शन, ठीक है, ये चीज आप समझ रहे हैं। एंड इसके बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लास लेनी है, क्लास के अंदर आपको क्या करना है, ये बूटस्ट्रैप की क्लास आएगी आपकी कंटेनर, ठीक है। इसके बाद में आपको अगेन लेना है क्लास, इस क्लास पे आपको करना है रो सबसे पहले एंड टेक्स्ट सेंटर। अब मैं ये टेक्स्ट सेंटर बूटस्ट्रैप की क्लास है, आपने देखा होगा 4 में भी आपने यूज करा होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। एंड इसके बाद में यहाँ पे क्लास एंड इस क्लास पे आपको क्या लेना है, कॉल MD3, ठीक है, एंड इसके बाद में कॉल MB, ठीक है, LG0 की 0 LG पे, लार्ज स्क्रीन पे नहीं होगा बट MD पे जाने के बाद ये भी ये 0 होगा एंड बाकी उन सब पे दिखेगा। तो इसका मतलब ये फोन पे दिखेगा, ठीक है, SM पे दिखेगा बट MD LG पे नहीं दिखेगा, XL पे दिखेगा, आप समझ रहे हैं। एंड इसके बाद में आप H2 लेंगे, ठीक है। अब इस H2 में जो आपको काउंट जो पूरा लिखना है ना वो कैसे लिखना है वो देखिए, लेंगे
ठीक है, स्पैन लेने के बाद यहाँ पे एक आईडी लेंगे, आईडी का यहाँ पे नाम रख दूंगा काउंट वन, समझ रहे हैं आप। एंड इसके बाद में यहाँ पे आपका प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। एंड इसके नीचे पी होगा, एंड पी पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे पी पे लिखना है सेविंग्स, ये देखिए, ठीक है, ये चीज समझ रहे हैं आप। एंड इसके बाद में मैं इसी चीज को करूंगा यहां से कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद मैं कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। एंड पेस्ट करने के बाद में अब मैं यहाँ पे क्या चेंज करूंगा वो समझिए, यहाँ पे चेंज करूंगा सबसे पहले मैं ये, ठीक है। एंड यहाँ पे चेंज करने के बाद टेक्स्ट चेंज होगा, टेक्स्ट में आपका फोटोज आ जाएगा जो कि मैंने आपको दिखाया था। इसके बाद में एक और पेस्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में सबसे पहले आईडी चेंज होगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी, एंड टेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये कुछ भी आप रख सकते हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग जो मैं आपको सिखा रहा हूँ थीम कैसे बनेगी पूरी उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। एंड यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 4। एंड यहाँ पे आपको क्या रखना है, यहाँ पे आपको रखना है ये देखिए, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए। तो ये है आपका किसके लिए, जो आपको नंबर ऑफ काउंट दिखता है ना उसके लिए। तो वो कैसे दिखता है और वो कैसे दिखाते हैं हम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उससे पहले अभी आपको क्या करना है, इसमें कुछ चीजें हमें, तो ये तो जेएस से दिखानी थी, तो इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हम करेंगे सबसे पहले यहाँ पे काउंट काउंटर सेक्शन, ठीक है, ये आप समझ रहे हैं। इस पे हम सबसे पहले क्या लेंगे, बैकग्राउंड, एंड बैकग्राउंड में बैकग्राउंड कलर होगा, एंड कलर में हम क्या करेंगे यहाँ पे प्राइमरी कलर देंगे, ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद में पैडिंग बताएंगे हम यहाँ पे कितनी, 2.5 आरईएम टॉप एंड बॉटम से, एंड 0 होगी लेफ्ट एंड राइट से, ये चीज तो आप समझ गए। इसी के बाद में डॉट काउंटर सेक्शन के पी को, जो इसका पी है उसको भी तो बताना है, तो यहाँ पे वैर ले रहे हैं, वैर में हम उसको बता रहे हैं कि आप वाइट कलर लेंगे वेरिएबल से हमारे, ठीक है। इसके बाद में टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है हमारा, ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे आपको क्या करना है, अपर केस, ये है पी के लिए, ओके। अब इस पी के बाद में अब आपको करना क्या होगा, अब इसके बाद में हमें इसकी जीएस लिखनी है, किससे, जो जितना भी हमने ये कोड बनाया ना इसको हमें जीएस में लिखना है, तो चलेंगे यहाँ जीएस में। तो अभी हमें क्या करना है गाइस, कि यहाँ पे आपने देखा है काउंटर डिजाइन, तो अब इस काउंटर डिजाइन पे ही हम काम करेंगे। तो हम यहाँ पे लेंगे सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट, ठीक है, एड लिसनर, जो कि आपका इवेंट होता है जावास्क्रिप्ट का, उसके अंदर हम क्या करेंगे वो देखिए आप सबसे पहले। तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ डोम, ठीक है, डोम कंटेंट, ठीक है, लोडेड। अब ये क्यों ले रहा हूँ, ये जब हमारा जो कंटेंट होता है ना पूरा डोम का, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट और मॉडल, ठीक है, एंड इसमें हम जैसे ही वो लोड होगा, ठीक है, उसी टाइम पे ये एरो फंक्शन जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, इस फंक्शन को हमें कॉल करवाना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे लेंगे फंक्शन, एंड इस फंक्शन पे मेरा होगा काउंटर, इस काउंटर में मैं पैरामीटर्स पास करूंगा, सबसे पहले एक आईडी, एक स्टार्ट, एक एंड कॉमा, एंड एक ड्यूरेशन, ड्यूरेशन की कितनी देर तक वो हमें चलाना है। हमने ये चीज चार चीज पास कर दी, एंड लेट ले रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूं मैं यहाँ पे, इज इक्वल टू, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इस आईडी पे कौन से आईडी होगी, जो कि हम आईडी वहां देके आए हैं, याद रखिएगा वो आईडी जो हम वहां पे देके आए हैं। और अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसी लेट में मैं चीजें कॉमा लगा के आपको देखिए पास कर रहा हूं मैं वैल्यू, ठीक है, स्टार्ट की इसमें डाल दी हमने, रेंज, रेंज में क्या आएगा आपका एंड, ठीक है, इज इक्वल टू एंड माइनस स्टार्ट, ठीक है, कॉमा, आप देख रहे हैं मैं जो लिख रहा हूं इसमें, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट इज इक्वल टू, ओके, एंड ग्रेटर देन स्टार्ट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क 1 होगा, नहीं तो इज इक्वल टू माइनस 1 होगा, ठीक है, ये टर्नरी ऑपरेटर है जीएस के अंदर, ओके। एंड इसके साथ में स्टेप्स बता रहे हैं हम इसके अंदर, इज इक्वल टू मैथ, मैथ के साथ में एबीएस, ठीक है, फॉर्मूला होता है आपका जावास्क्रिप्ट का, ठीक है, एंड मैथ अगेन डॉट फ्लोर, इसके अंदर हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, यहां बताएंगे हम ड्यूरेशन, एंड ड्यूरेशन डिवाइड किस में से होगा, रेंज में से होगा, ये चीज हो गई, ये भी कॉमा में, ठीक है। एंड टाइमर, टाइमर डॉट, टाइमर में इज इक्वल टू लगाने के बाद सेट, सेट इंटरवल आएगा आपका यहाँ पे, याद रखिए सेट इंटरवल आएगा आपका इसमें, इसमें भी हम क्या बना रहे हैं, एरो फंक्शन बना रहे हैं, एरो फंक्शन बना दिया मैंने यहाँ पे। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, करंट, ठीक है, प्लस, एक प्लस लेंगे, इज इक्वल टू एड ऑन कराना है ना हमें इंक्रीमेंट में, तो एड ऑन कराने के लिए यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट डाल दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो मैंने ऊपर रिफाइन करा था लेट में, उसमें हमने टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे करंट डाल रहे हैं, ठीक है,
जो वैल्यू होगी हमारी करंट की, एंड इसी के साथ में इफ, ठीक है, पैराथिनतीस में चेक लगा रहे हैं हम, चेक किसका, करंट वैल्यू वाले का। अब इसमें जो होगा इज इक्वल टू एंड है, ठीक है, अगर ये एंड में है इसकी, तो आपको क्या करना है, इंटरनल आपको जो क्लियर इंटरवल होता है आपको क्लियर कर देना है किसका, टाइमर का। ओके, टाइमर आपको नहीं दिखेगा, ये जो टाइमर है ना यहाँ पे, ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसके बाद में आपने ये चीज तो ले ली, कॉमा स्टेप्स, ये यहाँ फाइंड कर देंगे हम, ठीक है, जो हम यहाँ पे करते हैं। तो आपने देखा कि हमने जो ऊपर लेट में डिफाइन करी इतनी सारी चीजें, उसको हमने यही यूज कर लिया सारा कुछ, ठीक है। अब ये फंक्शन हमने पूरा लिखा, अब इसके बाद में इससे बाहर आएंगे, अब इसके बाद में हम यहाँ लिखेंगे काउंटर। अब इस काउंटर में हम सबसे पहले क्या देंगे, हम देंगे वो आईडी जो मैंने वहां पे आईडी दी थी, उसके साथ लगाएंगे कॉमा, जीरो कॉमा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक रैंडम नंबर होगा, कुछ भी आप दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ, एंड यहाँ पे ये चीज, ठीक है। ये हमने चार पैरामीटर यहाँ पे पास कर दिए, जो कि फंक्शन हमने ऊपर बनाया था, ये देखिए चार बनाए थे हमने, मैंने चार यहाँ पे ले लिए, टू कर देता हूँ मैं इसको, नीचे वाले को थ्री कर देता हूँ, यहाँ फोर कर देता हूँ। अब करना क्या है इसमें, अब इसमें हमें करना है चेंज, अब मैं इसको 100 कर देता हूँ, ठीक है, और इस वैल्यू को यहाँ पे कर देता हूँ 5000, एक रैंडम है कुछ भी, ठीक है। एंड यहाँ पे इस चीज को कर देते हैं हम आपका मिली सेकेंड में, कि कितना हमें पास करना है, ड्यूरेशन बता रहे ना, तो जितने पैरामीटर हमने ऊपर पास करे थे उसके अकॉर्डिंग ही चलेगी चीजें, ठीक है। ये जी देखिए, तो ये हमने पास कर दिया, और ये सारा कुछ हमने किसके लिए करा, यहाँ से ड्यूरेशन हमने पैरामीटर्स पास करे, हमने एक लैट में हमने सारा डिफाइन कर दिया, उसके बाद हमने एक इंटरवल बना दिया, क्लियर भी कर दिया अगर वो एंड में पहुंच जाए, और बाकी हमने यहाँ पे वैल्यू पास कर दी जो हमें चाहिए थी। इसके बाद करेंगे सेव, एंड चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड नीचे आएंगे तो देखिए आपको यहाँ पे ये चलती हुई दिख रही है, देखिए नंबर आपका कंटिन्यूसली चल रहा है। और इसकी डिजाइनिंग कैसे करी है वो हमने सीएसएस में हमने देख ही लिया कि हमने क्या लिखा था, ठीक है। अब उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा, देखिए स्क्रॉल आपका आ गया क्योंकि हमारे पास कंटेंट आ गया, बट इसके साथ ही में जब आपको दिख रहा होगा, जब हम ये फिक्स हो रहा है, आपका जो हेडर है ना वो फिक्स तो हो रहा है, बट इस पे व्हाइट कलर बैकग्राउंड नहीं आ रहा, तो वो भी हम बना लेते हैं इसी में, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो वो भी देखिए अब, तो अभी हम इसी जेएस में, तो अब क्या करना है हमें, हमें बनाना है एक्टिव नैव बार। अब इसमें हमें करना क्या होगा, नैव बार लेंगे सबसे पहले तो, एंड डॉक्यूमेंट लेंगे यहाँ पे, ठीक है। डॉक्यूमेंट में डॉट क्वेरी सिलेक्टर होगा हमारे पास, ठीक है, एंड क्वेरी सिलेक्टर में हमारे पास कौन सा होगा, सिंगल, एक ही चाहिए बस हमें अभी। तो हम यहाँ पे हमारे पास जो क्लास है ना, वो भी क्लास कौन सी वो समझिए आप, हम किस क्लास से इस चीज को पता लगाएंगे, वो पता लगाएंगे हम इससे, जो मैंने अपनी क्लास दी थी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे डॉट के साथ इसको ले लेंगे, ये हो गया हमारा एक वेरिएबल। इसके बाद विंडो डॉट स्क्रॉल, ठीक है, स्क्रॉल ले रहे हैं हम विंडो डॉट स्क्रॉल में यहाँ पे, एंड इस स्क्रॉल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑन स्क्रॉल होगा गाइस, ठीक है, एंड इज इक्वल टू फंक्शन बता रहे हैं हम। इस फंक्शन में यहाँ पे आप देखेंगे, मैं इस फंक्शन में आपको क्या बताऊंगा, मैं यहाँ बताऊंगा इफ, इफ के साथ डायरेक्ट लेंगे मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट, डॉट में हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट लेंगे अगेन, एंड इसके अंदर एलिमेंट होगा आपका, ठीक है। ये एलिमेंट कौन सा होगा, वो होगा स्क्रॉल, स्क्रॉल में आपके पास हमारे पास जावास्क्रिप्ट देता है टॉप, ठीक है, उसको हम ग्रेटर देन बता रहे हैं 20 से, जैसे ही वो 20 से ग्रेटर देन हो ना, तो नैव जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया था उसके अंदर क्लास लिस्ट के अंदर हमारे को एक क्लास ऐड करानी है, जो कि क्लास हमने बनाई थी कौन सी, स्क्रॉल ऑन, ठीक है। अब आप समझ रहे हैं, जो क्लास हमने वहां बनाई थी वो क्लास हमने यहां पे ले ली। इस क्लास के बाद हम इसको करेंगे कॉपी, मैं इसे करूंगा एल्स, क्योंकि दो फंक्शन होंगे ना, हटाना भी तो है उसे, एंड यहां कर दूंगा मैं इसको रिमूव। ये है जेएस गाइस, ठीक है, इसमें हम जेक्वेरी यूज कर ही नहीं रहे बिल्कुल, तो ये प्योर जेएस में लिखा है आपका। और ये क्लास कहां पे वो समझिए, ये क्लास मैंने अभी आपको दिखाया ना, ये लिखी थी ये रही, ठीक है। एंड यहां पे आपको समझ में आ गया कि हमने किसको उठाया, हमने नेविगेशन के रैप जो पेरेंट क्लास थी उसको, और 20 से ज्यादा देने पे इस चीज को फिक्स कर रहे हैं। अब देखेंगे, चलेंगे यहां ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद मैं करता हूं, ये देखिए जैसे मैंने इसको ये करा, तो देखिए अब आपको ये दिख रहा होगा यहां पे कि ये फिक्स भी हो रहा है, बैकग्राउंड भी आ रहा है, बट इसके पीछे जो शेडो था ना वो बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा शेडो, तो उसको कैसे कम करना है वो समझिए। मैंने यहां पे शेडो दिया था आपका इसमें, ठीक है, तो मैं इसको जीरो कर दूंगा, 0.09, जिससे कि कम हो जाए, ठीक है। इसके बाद चलेंगे एंड रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए हाँ अब सही है, देखिए ओके अब बिल्कुल एक्यूरेट दिख रहा है आपको। तो ये चीज हो गई आपकी कि हमने हेडर बनाया, बैनर बनाया, बैनर के बाद ये नंबर आपका काउंट, जब फर्स्ट टाइम आएगा यूजर तो वो आपका नंबर एनिमेट होना चाहिए, वो बनाया। इसी के साथ में एक चीज और थी जीएस के अंदर,
तो जेएस के अंदर वो क्या थी वो देखिए, जैसे मैं रिस्पॉन्सिव करके आपका यहाँ पे आता हूँ ना, मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, तो इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो इसका आपको बैकग्राउंड कलर नहीं आ रहा आपका, ठीक है। एंड इसी के साथ में आपका यहाँ पे क्या है कि जब मैं किसी भी इस पर क्लिक करूँ ना, तो आपका मेन्यू बंद हो जाना चाहिए, आप समझ रहे हैं। तो वो भी हम लिख लेते हैं, देन उसके बाद में फिर हमारा जेएस का पार्ट कंप्लीट ही हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे तीन ही चीज थी जेएस के अंदर। तो हम क्या करेंगे, लेट लेंगे नैव बार, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी ले रहा हूँ, क्वेरी सिलेक्टर में। अब मेरे को टोटल चाहिए, टोटल जितने भी नैव बार होंगे ना मेरे इसमें पेज पे, उनको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, गेट कर रहा हूँ किससे, नैव बार से अपने, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, लेट लूंगा एक नैव कोलैप्स, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर ही होगा हमारे पास, इसमें ऑल नहीं होगा, इसमें होगा क्या वो देखिए, डॉट नैव बार। मैं आपको क्लास समझाता हूँ बूटस्ट्रैप की, मैं कैसे इस चीज को पिक कर रहा हूँ। आपके पास ये क्लास होती है ये देखिए, ठीक है, इसी क्लास से हम बनाएंगे। तो हम सबसे पहले इस क्लास को लेंगे, ठीक है। इस क्लास को मैंने यहाँ पे डॉट के साथ लिया, आप समझिए। इसके बाद में हमारे पास ये क्लास होती है कोलैप्स की, इसको भी लेंगे एंड इसको कर देंगे ग्रुप, आप समझ रहे हैं। जेएस में भी ग्रुप कर सकते हैं आप, ओके। इसके बाद है नैप बार। अब इस नैप बार पे आपको क्या करना है, फोर ईच चलाना है, जो कि हमें यहाँ पे जेएस देता है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, फंक्शन, इस फंक्शन में मैंने यहाँ पे पास कर दिया ए, ओके, ये देखिए, ठीक है। अब इस ए पे मैं क्या करूंगा, एड लिस्टनर लगाऊंगा यहाँ पे, ये हमारा क्लिक फंक्शन बनाने के लिए है। एंड यहाँ पे मैं क्लिक लिखूंगा एंड फंक्शन लिखूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। इस फंक्शन में अब मेरे को करवाना क्या है, अब मेरे को करवाना है बेसिकली नैव कोलैप्स जो है ना, उसमें लिस्ट क्लास डॉट रिमूव, ठीक है। कौन सी क्लास रिमूव करनी है मेरे को, ये करनी है शो, क्योंकि ये बूटस्ट्रैप की क्लास है गाइस, ध्यान रखिएगा। बूटस्ट्रैप यहाँ पे शो क्लास अपेंड करता है, जब भी हम फोन पे होते हैं ना, तो उस पर क्लिक करने के बाद वो क्या करता है, शो क्लास डालता है। बस हमें क्या करना है, उसे हटा देना है जब भी वो नेविगेशन पे क्लिक हो। तो इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे आने के बाद आप क्लिक करेंगे, एंड इसके बाद अबाउट पे देखिए, किसी पे भी क्लिक कर लूंगा मैं, तो अभी तो पेज कहीं जाएगा नहीं क्योंकि हमने कंटेंट बनाया नहीं है, बट आप देखेंगे तो ये देखिए मेन्यू बंद हो जा रहा है आपका। अब क्या चीज है इसमें, अब इसमें ये चीज है कि गाइज आपने क्या है कि हेडर बैनर और उसके नीचे स्लाइडर वाला बना लिया। अब क्या करना है आपको, अब इसके अंदर का जो व्हाइट कलर नहीं आ रहा वो, एंड इसके रिस्पॉन्सिव के पार्ट को, तो ये भी तो देखना है आपको। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे चलेंगे अपने यहाँ पे सीएसएस में, एंड सीएसएस में आने के बाद अब आपको करना क्या है, अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिव वाले कोड में आना है। तो सबसे पहले अबाउट सेक्शन तो अभी हमने स्टार्ट करा ही नहीं है, और कस्टम क्लास में हमने क्या क्या कर लिया वो देखिए। तो कस्टम क्लास में हमारे पास यहाँ पे क्या है, कस्टम क्लास में हमारे पास यहाँ पे आने के बाद क्या चीजें बदलेंगी, जो विड्थ हमने वहां पे 70 दी है ना, वो यहाँ पे आके 100 हो जाएगी पहली, ठीक है। उसके बाद नैव ब्रांड, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा वो देखिए, नेविगेशन, नेविगेशन रैप में डॉट नैव बार, ठीक है, ये है ब्रांड, जो आपका लोगो है ना, ये उस चीज के लिए कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे तो उसकी हाइट यहाँ पे बता रहे हैं हम 3.812 rem, ये लोगो का बता रहे हैं हम, ओके। एंड इसी के अंदर, इसी के अंदर अब क्या होगा आपका, ये चीज तो हो गई आपकी, इसी के अंदर अब आपको करना है नेक्स्ट डॉट, आपको क्लास लेनी है जो कि मैंने अभी कॉपी करी ऊपर से। एंड इसके अंदर आपको सबसे पहले आपको टेक्स्ट अलाइन आपको रखना है सेंटर, जिससे कि वो सारा का सारा आपका सेंटर में आ जाए। एंड वहां पे आपको बैकग्राउंड कलर ऐड करना है, वो होगा आपका क्या, व्हाइट, ये चीज हो गई आपकी व्हाइट के लिए। एंड इसी के अंदर एक चीज और होगी, मैं इसलिए आपको ये चीज एक ही बार में करके दिखा रहा हूँ कि कंफ्यूजिंग ना हो, और मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ गाइज, कि आपको कंफ्यूजिंग बिल्कुल भी ना हो सके और चीजें अच्छे से समझ में आए। REM, ठीक है, यह है लाइन हाइट। तो ये पार्ट किसका था, ये नेविगेशन का था, और ये कहाँ करा हमने, 991 की मीडिया क्वेरी के अंदर। और ये 991 का कहाँ पे होता है वो देखिए, जब मैं आईपैड प्रो पे होऊंगा ना, तो उस टाइम पे तो बिल्कुल एक्यूरेट है हमारा डिजाइन, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं। उसके बाद आईपैड प्रो पे आएंगे ना, तो आईपैड प्रो पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा ये देखिए, ठीक है। अब क्या है कि आपको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो जब हम इस पे होंगे ना, तो इस पे क्लिक करेंगे ना, तो देखिए अब व्हाइट कलर भी आपका आ रहा है, और जब मैं क्लिक करूंगा ना, तो देखिए बंद भी हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है, ये बंद होता हुआ आपको दिख रहा है, मैं कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो बंद होगा। तो बट ये अभी जब हमारा सेक्शन बन जाएगा तो ये स्मूथली चलेगा, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। एंड इसी के साथ में अभी क्या है कि बैनर में स्पेस बहुत आ रहा है, तो इस स्पेस को भी कैसे हटाना है, तो यही हटाएंगे, क्योंकि बैनर डिजाइन भी हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो इस पर क्या करना है आपको, टॉप बैनर लेना है आपको यहाँ पे, एंड इस बैनर में आपको क्या करना है, बैनर में पैडिंग आपको 9.375 rem, 0 9.35 rem, ठीक है,
ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये इक्वल है। मैं चाहता तो एक बार में लिख देता, बट आपको समझ इसलिए आएगा क्योंकि मैंने जो ऊपर आपको बताया मैं वैसा ही फॉर्मेट रख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे एंड यहाँ देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे आप स्पेस कम हो गया आपका जो भी मैंने स्पेस दिया था, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी। अब इसके बाद में इस वाले के लिए तो हो गया आपका, इसके बाद में आप सपोज फोन पे आ गए, तो फोन पे आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा आपका डिजाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो अब वो कहाँ पे प्रॉब्लम है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जब फोन पे आओगे आप, तो यहाँ पे कस्टम सीएसएस है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो H1 है ना जिसको हमने दिया था, तो उसका फॉन्ट साइज यहाँ पे कम कर देंगे हम, वो हो जाएगा 2.5 आरियम का, ठीक है। इसके बाद में अब क्या करोगे आप कि यहाँ पे H2 होगा, H2 में यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉन्ट साइज लेना है 2 आरियम लेना है, ठीक है। ये चीज हो गई एंड इसके बाद में यहाँ पे लाइन हाइट लेना है 2.0625 आरियम, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद में आपको अब क्या करना है आपको यहाँ पे, ये चीज तो आपकी कस्टम थी। इसके बाद बैनर टॉप आपने लिखा हुआ है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, टॉप बैनर जो कि हमने अभी ऊपर देखा उसमें यहाँ पे आके पैडिंग 10, ठीक है 10 से लेंगे, थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं, वहां पे हमने कम करा था टॉप से एंड यहाँ पे हम इंक्रीज कर रहे हैं एंड यहाँ पे वो सेम रहेगा जो आपका बॉटम था, आप समझ रहे हैं। ये चीज होगी किसके लिए, टॉप बैनर के लिए, ठीक है। ये चीज तो आप समझ गए। तो ये चीज हमारी है किसके लिए, ये फोन के लिए है। इसके बाद चलेंगे आप ब्राउजर पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए जो आपका नेविगेशन टच हो रहा था ऊपर वो एंड ये फॉन्ट साइज आपको मैं एक बार रिस्पॉन्सिव करके दिखाता हूँ। ये देखिए आपका सबसे पहले डेस्कटॉप, डेस्कटॉप से फिर हम छोटा करते हुए जा रहे हैं, ये देखिए ठीक है, छोटा करते हुए जा रहे हैं बिल्कुल एक्यूरेट, तो आपको दिख रहा है ये बिल्कुल एंड आपको आपको नीचे दिख ही रहा होगा कि ये कैसे शिफ्ट हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे आपका फुल है, देन उसके बाद डायरेक्ट ये शिफ्ट हो जाता है फुल पे, ठीक है। तो ये चीज आपकी प्रॉपर रिस्पॉन्सिव बना ली हमने, क्या क्या, हेडर बना लिया, बैनर बना लिया और काउंट नंबर बना लिया, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अब कि हम क्या बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, हमने ये दो चीज तो बना ली, अब बनाएंगे हम अबाउट सेक्शन एंड उसके बाद अदर सेक्शन जितने हैं वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें भी हम देखेंगे कितने हम उस वीडियो में कवर कर पाते हैं, ओके। एंड जितनी भी वीडियोस आएंगी गाइस सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, बूटस्ट्रैप का, फॉन्ट ऑसम का एंड जितनी भी हमारी ये वीडियो की सीरीज होगी सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड गाइस एक बार और फिर मैं आपको याद दिला दूं कि आपको अगर सोर्स कोड चाहिए तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, जिससे कि हमारी वीडियो पे 100 लाइक कंप्लीट हो सके एंड 100 कमेंट कंप्लीट हो सके, उसके बाद मैं सोर्स कोड अवेलेबल कर दूंगा आप सबके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस नेक्स्ट टॉपिक पे, बाय बाय।